हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने HCF एंड LCM टॉपिक पढ़ रहे थे। उस पर बेस हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में भी हम कुछ HCF और LCM से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ और उन पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCF, है ना। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCF, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन HCF, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द हाइएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ए कॉमा बी कॉमा सी। सबसे बड़ा नंबर जो कि ए कॉमा बी कॉमा सी को डिवाइड करे, ठीक है, वो क्या होगा? द हाइएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ए कॉमा बी कॉमा सी, वो नंबर क्या होगा? तो सिंपल, द हाइएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दीज थ्री इज नथिंग बट द नंबर इज द HCF ऑफ दीज थ्री नंबर्स। सो द नंबर शुड बी द HCF ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। सिंपल, आपको क्या करना होगा, इसका HCF निकालना होगा। एग्जाम्पल, लेट से मैंने कहा फाइंड द हाइएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ट्वेंटी सिक्सटी फाइव एंड लेट से 80, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, तो कुछ नहीं होगा, वो इन तीनों का HCF होगा, ठीक है। HCF कैसे निकालेंगे? इन तीनों नंबर्स का लिख दिया हमने 20, 65, 80। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है तीनों नंबर 5 से डिविजिबल है ना। तो 5 लिखेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको हम किसी से भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो यानी इसका HCF कितना आ जाएगा? 5। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 5। 5 सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। सो रिक्वायर्ड आंसर इज द एस नंबर इज द HCF ऑफ 20, 65 एंड 80। द रिक्वायर्ड नंबर इज नथिंग बट द HCF ऑफ 20, 65 एंड 80, दैट इज नथिंग बट 5, ठीक है बेटा। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि भैया सबसे बड़ा नंबर पता करो जो कि इन तीनों को डिवाइड करे, है ना, तीन क्या चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर इज द HCF ऑफ दीज गिवन नंबर्स। सेकेंड पॉइंट, द हाइएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ए बी एंड सी लिविंग द रिमाइंडर्स आर वन आर टू एंड आर थ्री रेस्पेक्टिवली। देखिए, ए को एन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आर वन आया, बी को एन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आर टू आया, सी को एन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आर थ्री आया। तो एन क्या होगा? देखिए, अगर मैं इस ए में से आर वन निकाल दूंगा तो वो एन से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ए माइनस आर वन इज़ डिविजिबल बाय एन। सेम से बी में से अगर आर टू निकाल दोगे तो वो भी एन से डिवाइड हो जाएगा, सो बी माइनस आर टू इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय एन। सी में से अगर अपन आर थ्री निकाल देंगे तो भी वो एन से डिवाइड हो जाएगा। सो एन इज़ द हाइएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ए माइनस आर वन बी माइनस आर टू एंड सी माइनस आर थ्री। एंड बाई डेफिनेशन, एक ऐसा नंबर जो इन सब नंबर को डिवाइड करे वो नंबर क्या होगा? इन तीनों का HCF होगा, है ना बेटा, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द HCF ऑफ ए माइनस आर वन बी माइनस आर टू सी माइनस आर थ्री, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस पर भी अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से मैंने क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 77, 127 एंड 252, लीविंग द, सॉरी थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेट्स से 79, 155 एंड 235, लीविंग द रिमाइंडर, लीविंग द रिमाइंडर 4, 5
कॉमा 10 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे बड़ा नंबर पता करो, अगर उस बड़े नंबर सॉरी इन नंबर्स को उस बड़े नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 4, 5 और 10 आएगा। ठीक है, तो यानी हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, इन नंबर में से ये रिमाइंडर हटा दीजिए। तो 79 में से 4 गया बेटा तो आया 75, 155 में से 5 गया तो आया सेट 150, और 235 में से 10 गया तो आया 225। तो यानी हमें इन तीन नंबर्स का SCF निकालना पड़ेगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द SCF ऑफ 75, 150 एंड 225। ठीक है, अब इसका आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जैसे भी आप करना चाहो। SCF निकालने का तरीका देखिए, 75 एक ऐसा नंबर है जो कि 150 को भी डिवाइड कर रहा है और 225 को भी डिवाइड कर रहा है ना। 75 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, और 75 अपने आप को तो कर ही रहा है, तो यानी सीधा सीधा इसका आंसर 75 हो गया मेरे ख्याल से, है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर इज़ द 75। ठीक है, क्योंकि 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5, 3, 15, 1, यस 225 आ रहा है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों 75 से डिविजिबल हैं, इसलिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये थर्ड नंबर, ये नंबर खुद हो गया, तो SCF इज 75। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, 79 को 75 से डिवाइड किया रिमाइंडर 4 आएगा, 155 को 75 से डिवाइड करो, 752 जा 150 रिमाइंडर 5 आ रहा है, 753 जा 225, तो 235 में से 225 गया तो रिमाइंडर 10 आ रहा है। बिल्कुल सही है, तुम्हारा आंसर आ गया 75। क्लियर है, ये दो पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो अगर रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर को आप हटा दीजिए, और फिर उन रिमाइंडर हटाने के बाद जो नंबर आएगा उनका हमें SCF निकालना होगा। ठीक है, चलिए, ये पहले दो पॉइंट हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरे पॉइंट पे आते बेटा, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट लेते हैं, फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ए बी सी लीविंग द सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करिए, अगर ए बी सी को उस नंबर से डिवाइड किया जाए तो हर केस में रिमाइंडर सेम आता है, तो ये जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखिए वही कंसेप्ट, ए में से आर निकाल दो तो वह एन से डिवाइड हो जाएगा, बी में से आर निकाल दो तो भी एन से डिवाइड हो जाएगा, सी में से आर निकाल दो तो भी वह एन से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ए माइनस आर, बी माइनस आर एंड सी माइनस आर, ऑल आर डिविजिबल बाय एन, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ द SCF ऑफ ए माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सेकेंड पॉइंट से मिलता जुलता है, वहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग आ रहे थे, यहाँ पे रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो ये बस रिमाइंडर सेम कर दिया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे R1, R2, R3 थे, यहाँ पे सिंपल R लिख दिया अपन ने, दैट्स इट। अब कई बार क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला हमारे पास और है ना, इसका एक फॉर्मूला और लिख लीजिए जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा, वो ये है कि SCF, ये जो नंबर्स हैं ए बी सी, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा और उसका SCF आपको लेना पड़ेगा। इस फॉर्मूले की खास बात क्या है, इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि यहाँ पे ये जो सेम रिमाइंडर है इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर सपोज़ करो बाय चांस क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि भैया सेम रिमाइंडर आ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दी जाए, तो कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले से तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए आपको सेम रिमाइंडर की वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। लेकिन सेम रिमाइंडर है इतना पता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है अगर नहीं पता, तो ये फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि इसमें देखो आर यूज़ आप नहीं कर रहे, आर यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, इसलिए चलो इसको अभी अपन एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फाइंड, चलिए करते हैं इस पे एक क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड, विच कैन डिवाइड which can divide 67, 132, 187।
Find the greatest number which can divide 67, 232 and 187, leaving the same remainder in each case. Leaving the same remainder in each case. ठीक है, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ऐसा इसने बोला. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में सेम रिमाइंडर नहीं दे रखा, तो ये वाला फॉर्मूला तो अब यूज़ ही नहीं कर पाओगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, ये जो नंबर्स हैं इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस आप निकाल लीजिए. ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं. देखिए एब्सोल्यूट साइन अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होगा, जब आप नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो सकता है कि बी बड़ा हो ए छोटा हो, तो डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है. उस नेगेटिव डिफरेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए एब्सोल्यूट लगा दिया है. सही, तो आपको ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, डिफरेंस करना है लेकिन वैल्यू कैसी लेनी बेटा, पॉजिटिव लेनी है. तो इन दोनों का डिफरेंस करो. ठीक है, 232 में से 67 को माइनस करो, कितना आएगा 5, यहाँ पे रहेगा 12, 12 में से 6, यहाँ पे रहेगा 165. ठीक है, कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 165 आया. अब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, 232 में से 187 माइनस 3 और 2 5, यहाँ पे रहेगा 12, 45 है ना, कितना रहेगा 45. इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 45. अब इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, 187 में से 67 को माइनस, यह जाएगा 120. तो ये हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं. अब इन्हीं नंबर्स का है ना, हमने इन दोनों का डिफरेंस किया ये आया, इन दोनों का डिफरेंस किया ये आया, इन दोनों का डिफरेंस किया ये आया. ये जो डिफरेंस है इन्हीं का हमें एस सी एफ लेना है. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ द एस सी एफ ऑफ दीज थ्री. ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर इज़ द एस सी एफ ऑफ दीज थ्री. तो 165, 45 और 120 का अपन एस सी एफ निकालते हैं. ठीक है ना, तो चलिए करते हैं इसको अपन. अब देखिए तीन नंबर का एस सी एफ निकालना है, तो अपन चालू करते हैं. ये लिखा 165, 45 और 120. ठीक है, तीनों नंबर 5 से डिवाइड होते नज़र आ रहे हैं, तो 5 से कर दिया 31, 9 और 24. ठीक है, अब इन तीनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है हमारे पास जिससे इन तीनों को डिवाइड किया जा सके. सो यहाँ पे एक सेकेंड, 33 आएगा, सॉरी यहाँ पे 33 आएगा. तो अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो अपन 3 से और डिवाइड करते हैं इसको. तो ये आ जाएगा 11, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8. तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये तीनों नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं है, है ना, इनमें कुछ कॉमन नहीं है आपस में. ठीक है, तो एस सी एफ क्या रहेगा, 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 15. ठीक है, अब देखो ये जो सेम रिमाइंडर आ रहा है ना, ये जो बात कर रहा है सेम रिमाइंडर की, ये वैल्यू भी आप बता सकते हो. कैसे, 67 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा रिमाइंडर, 15 फोर या 60 है ना, 67 को 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7. तो यानी जो सेम रिमाइंडर है वो 7 है बेटा. आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो. 232 को 15 से डिवाइड करो, 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225, तो 232 में से 225 गया तो 7 ही बचेगा, सेम रिमाइंडर आ रहा है. 15 into 12 180 होता है. देखो 187 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, अगेन 7. सही, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. तो ये हमने कर लिए, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग एस सी एफ, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे बेटा. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग नाउ एलसीएम. अब एलसीएम की अपन बात कर लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एलसीएम की, है ना. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एलसीएम. तो सबसे पहला पॉइंट, द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ए बी एंड सी. सबसे छोटा नंबर जो ए बी सी से डिवाइड हो, है ना, और भी नंबर ले सकते हो, ऐसा नहीं कि तीन नंबर ही है ना, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ले लिया. तो सबसे बड़ा नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा, सिंपल, वो नंबर इन तीनों का एलसीएम होगा. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ द एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी. ये आपका आंसर हो जाएगा. सिंपल सा अगर एग्जाम्पल करना चाहें, इसका भी एक क्वेश्चन करना चाहें, मैंने कहा फाइंड द
least number which is divisible by 10, 12 एंड 15. सबसे छोटा नंबर जो कि 10, 12 और 15 से डिविजिबल हो. तो रिक्वायर्ड नंबर इज़ नथिंग बट द एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15. और 10, 12, 15 का एलसीएम आप निकालना जानते ही हो. ये रहा 10, ये रहा 12, ये 15. पहले 2 से डिवाइड किया तो 5, 6, 15. फिर वापस 2 से किया 5, 3, 15. फिर 3 से किया 5, 1, 5. फिर वापस 5 से किया 1, 1, 1. तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5. तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 60. ठीक है, तो 60 सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा. 60 से छोटा नंबर हो ही नहीं सकता जो 10, 12 और 15 से डिवाइड हो. आप देख सकते हो 60 इज डिविजिबल बाय 10 6 टाइम्स, 60 इज डिविजिबल बाय 12 5 टाइम्स, 60 इज डिविजिबल 15 बाय 4 टाइम्स. ठीक है, ये हो गया इस तरह से. ठीक है, नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20 and 24. ठीक है, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करें 3 डिजिट का जो कि 20 और 24 से डिविजिबल है. अब जनरली बच्चे सोचते हैं कि जैसे ही ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाए तो हमें एससीएफ निकालना होता है, लीस्ट वर्ड आ जाए तो एलसीएम निकालना होता है. ये मैंने आपका कन्फ्यूजन पहले ही दूर कर दिया है. देखिए, जब भी डिविडेंड की बात होगी तो हमें एलसीएम निकालना होगा, जब भी डिवाइजर की बात होगी तो हमें एससीएफ निकालना होगा. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको डिवाइड किया जाएगा, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको डिवाइड किया जाएगा इससे. तो किस नंबर की बात हो रही है? डिविडेंड की बात हो रही है. तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे. तो हमें एलसीएम निकालना है 20 और 24 का. चलिए निकालते हैं. ये लिखा 20, ये लिखा 24. 2 से किया 10, 12. 2 से किया 5, 6. 2 से किया 5, 3. फिर 3 से किया 5, 1. फिर 5 से किया 1, 1. ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 2 × 2 = 4. 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24. 24 × 5 = 120. तो आंसर आया हमारा 120. लेकिन हमसे देखो, ये नंबर जो है वो इन दोनों से तो डिविजिबल है, है ना? ये नंबर जो है वो इन दोनों से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या ये ग्रेटेस्ट है क्या 3 डिजिट का नंबर? है ना, ये क्या ग्रेटेस्ट है क्या 3 डिजिट का नंबर? नहीं, ग्रेटेस्ट नहीं है. देखिए, तो 120 20 और 24 से तो डिविजिबल है, ये नंबर तो हमें मिल गया, लेकिन ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर नहीं है. तो अपन क्या करेंगे, 120 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे. तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ना मिले. आप देखो, अगर मैं इस 120 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 960. तो 120 अगर 20 और 24 से डिविजिबल है तो 120 का जो मल्टीपल आएगा वो भी 20 और 24 से डिविजिबल होगा, है ना? तो यानी 960 20 और 24 से डिविजिबल है, और ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर भी है, है ना? क्योंकि अगर 8 से ऊपर जाओगे ना बेटा, 120 × 9 करोगे तो ये 1080 आ जाएगा, जो कि एक 4 डिजिट नंबर है, नॉट अ 3 डिजिट नंबर. हमें तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए था, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा 960. तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है तो ये जो एलसीएम आएगा 20, क्योंकि हम 20 और 24 से चाहते हैं डिविजिबल, इसको किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर बन पाए. तो यहाँ पे के की वैल्यू हमारी 8 हो गई, क्योंकि एलसीएम ऑफ 20 और 24 तो कितना हो गया, 120 हो गया. 20 और 24 का एलसीएम कितना हो गया, 120, और ये हमारा के हो गया, है ना, इनटू के, सो दैट इट विल गिव यू मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर. तो यानी के को अगर अपन 8 पुट करेंगे, तो के को अगर आप 8 पुट करोगे तो आपको ये मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा. आई थिंक इट इज़ क्लियर. सो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड नंबर, सही है, दैट इज़ 960. 960 सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है जो कि 20 और 24 से डिविजिबल होगा. ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. पॉइंट नंबर 2,
सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन एलसीएम डिस्कस करें. फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए कॉमा बी कॉमा सी लीविंग द सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस. लीविंग द सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस. देखिए अगर आप एन को ए बी सी से डिवाइड करते हो तो हर केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है, दैट इज आर. तो ये एन क्या होगा? देखो अभी ये जो एन है ना वो ए बी सी तीनों से डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है? आर. तो अगर मैं एन में से अगर आर निकाल दूंगा तो ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? सही है. तो यानी ये जो नंबर होगा दैट इज एन माइनस आर, वो इन तीनों नंबर का क्या होगा बेटा? एलसीएम होगा. सो एन माइनस आर इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ ए बी सी. इस माइनस आर को इधर शिफ्ट कर दो तो एन इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस आर. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर. सही, कुछ नहीं करना आपको, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है, इसमें रिमाइंडर जोड़ना है क्योंकि आपको रिमाइंडर हर केस में आर बचाना है. तो ये तो नंबर हो जाएगा जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, जितना रिमाइंडर चाहिए उतना ऐड कर दो. बड़ा सिंपल है. एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, कि मैंने आपसे कहा फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय लेट्स से 8, 15 and 20 gives remainder three in each case. ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आप, कुछ नहीं है. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स प्लस रिमाइंडर दैट इज थ्री. तो आप 8, 15, 20 का एलसीएम निकाल लीजिए बेटा. 8, 15, 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, बताओ कितना आएगा 8, 15, 20 का एलसीएम. एट, फिफ्टीन और 20 का एलसीएम, 2 से डिविजिबल है, 4, 15, 10. 2 से डिवाइड किया 2, 15, 5. 2 से डिवाइड किया 1, 15, 5. 5 से डिवाइड किया 1, 3, 1. फिर आप इस 3 से किया 1, 1, 1. ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8, 3 जा 24, 24 into 5 दैट इज़ 120. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 120 में 3 जोड़ दीजिए तो 123. ये आपका 123 नंबर होगा जिसको आप 8, 15 और 120 से डिवाइड करोगे तो हमेशा 3 रिमाइंडर आएगा. देखो 120 तीनों से डिविजिबल है, इसमें 3 जोड़ दो तो रिमाइंडर 3 बचेगा हमेशा. नहीं, बड़ा सिंपल है. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, है ना. एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट्स से मैंने आपसे बोला फाइंड दी ग्रेटेस्ट 4-digit number विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 15 and 24. ठीक है, 20, 15 and 24 gives the remainder 7 in each case. ठीक है, और मैं सबसे बड़ा 4-digit का नंबर बताना है जिसको 20, 15, 24 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आए? 7 आए. तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द एलसीएम ऑफ 20, 15 and 24 प्लस रिमाइंडर दैट इज 7. ओके, 20, 15 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं, देखिए कितना आ रहा है. 20 आई थिंक 120 आना चाहिए. सही है, 2 से किया 10, 15, 12. 2 से किया 5, 15, 6. 2 से किया 5, 15, 3. वापस 3 से किया 5, 5, 1. फिर वापस से 5 से ये आ गया 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8, 3 जा 24, 24 into 5, 120. सो दिस विल बी 120 प्लस 7. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, 127 आपका नंबर आ रहा है. 127 जो है वो 4-digit तो है नहीं, है ना, हमें तो 4-digit चाहिए और वो भी ग्रेटेस्ट. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अपन ने पिछले में देखा था
कि हम इसके मल्टीपल पे चलते हैं। तो ध्यान से देखना, आपको मल्टीपल तो चलना है। ऐसा नहीं कई बच्चे क्या करेंगे 127 के मल्टीपल पे चलना चालू कर देंगे। देखिए रिमाइंडर को कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर को कुछ नहीं करना है आपको, आप इस एलसीएम का मल्टीपल पे चलना पड़ेगा। ध्यान रखें बेटा, के इंटू है ना, के इंटू 120। अब k की वैल्यू ऐसी रखो जिससे ये 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर बन पाए, है ना। k की वैल्यू ऐसी रखो जिससे ये मैक्सिमम क्या बन पाए, 4 डिजिट का नंबर, ठीक है ना। तो 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर कितना होता है बताओ 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 सर। 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर 4 टाइम्स 9 होता है, नहीं, इसको 120 से डिवाइड किया, सही। तो ये 8 टाइम्स जाएगा, दैट इज़ 960, सही है। कितना बचा, 9 13 9 399, और ये 12 3 टाइम्स जाएगा तो आ जाएगा 360, बचेगा 33। तो यानी 120 को 83 से करेंगे, है ना, तो k की वैल्यू 83 होगी क्योंकि रिमाइंडर 33 बच रहा है ना। तो यानी k को आप 83 रख सकते हो मैक्सिमम, क्लियर। तो अगर मैं के को 183 से, सॉरी, इस 120 को 83 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर बनेगा जो कि 120 का मल्टीपल होगा। क्योंकि 83 से जैसे ही ऊपर जाओगे, देखो 83 पे रिमाइंडर बच रहा है ना, यानी इसमें से अगर अपन ये माइनस करेंगे तो ये 120 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 टाइम्स 9 में से आप 33 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 9966, तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर आएगा, ठीक है। सॉरी 39 बचेगा ना, सॉरी 39 बचेगा बेटा, 39 तो आ जाएगा 0। तो 9960 इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 20, 15 and 24। तो ये हो जाएगा 9960 और प्लस 7, तो आंसर आ जाएगा 9967, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। सो 9967 इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसको 20, 15 और 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आएगा बेटा, समझ में आया। बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना था, आपको एलसीएम के मल्टीपल पे चलना होता है, इस रिमाइंडर को कुछ नहीं करना, ध्यान रखें, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बनाना है तो इस एलसीएम के मल्टीपल पे चल के उसको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बनाइए पहले, सही है। चलिए अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर, इसका थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसका थर्ड पॉइंट ये है कि द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय ए बी एंड सी लिविंग द रिमाइंडर्स आर वन आर टू एंड आर थ्री। देखो एन को ए से डिवाइड किया रिमाइंडर आर वन आया, एन को बी से डिवाइड किया रिमाइंडर आर टू आया, एन को सी से डिवाइड किया रिमाइंडर आर थ्री आया। और एक और चीज़ नोट हुई कि ये जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हर केस में सेम आया, हर केस में क्या आया, सेम आया। और उस डिफरेंस को हमने नाम दे दिया डी, उस डिफरेंस को क्या नाम दे दिया हमने, डी, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज द एलसीएम ऑफ ऑल दीज थ्री नंबर्स, दैट इज ए बी सी, और उसमें से माइनस कर दीजिए ये डिफरेंस, ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला, सही है। इसमें कंडीशन ध्यान रखना कि डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस हर केस में सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। अगर नहीं आया डिफरेंस सेम तो दिक्कत है, क्लियर। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना, इस पॉइंट पे भी अपन एक क्वेश्चन करते हैं। सो देखो बेटा इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, मैंने बोला फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36 एंड 18 गिव्स द रिमाइंडर 14
gives the remainder 14, 26 and 8 respectively. Find the least number which when divided by 24, 36 and 18 give the remainders 14, 26 and 8 respectively. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो डिवाइजर है और ये जो रिमाइंडर है इनका डिफरेंस देखिए, 24 में से 14 गया 10 आ रहा है, 36 में से 26 गया 10 आ रहा है, 18 में से 8 गया 10 आ रहा है, तो हर केस में डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 10. उसको अपन ने क्या बोला था, डी, उसको अपन ने डी बोला था. ठीक है, सो आवर रिक्वायर्ड नंबर इज़ नथिंग बट द एलसीएम ऑफ 24, 36, 18 माइनस डी, दैट इज 10. आप 24, 36 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए. देखिए 18 और 36 का एलसीएम तो 36 ही आ जाएगा, और 24 3 या 72 तो 72 आएगा इसका बेटा, 72 आएगा, और 72 में से आप 10 माइनस कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 62 आ जाएगा. ठीक है, इन तीनों का एलसीएम 72 आएगा, क्योंकि 72 24 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, 36 से 2 टाइम्स, 18 से 4 टाइम्स, तो 72 माइनस 10 दैट इज 62. सो 62 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर जिसको आप अगर 24, 36 और 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 14, 26 और 8 आएगा. क्लियर है, सो आंसर इज 62. आप चेक भी कर सकते हो, है ना, 62 को 24 से डिवाइड करो, 24 टू जा 48, तो 62 में से 48 गया तो 14 आ रहा है. सही है, बिल्कुल सही है. 36 वन टाइम ही जाएगा तो 26 रिमाइंडर आएगा, बिल्कुल. 18 को करा, 18 थ्री जा 54, 62 में से 54 गया तो 8 ही बचेगा, तो सही आ रहा है बिल्कुल. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग एससीएफ एंड एलसीएफ. डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है बेटा, चलिए ये कुछ बातें हुई एससीएफ एंड एलसीएफ की. ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एट द लास्ट. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एससीएफ एलसीएफ का. ठीक है, तो एससीएफ एलसीएफ के सारे पॉइंट्स अपन ने कवर कर लिए बेटा, है ना, सारे ही पॉइंट अपन ने कवर कर लिए हैं. एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट. ठीक है, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए आप. द क्वेश्चन इज दैट तो देखो इसने दे रखा है कि देर आर सिक्स स्ट्रिंग्स, हमारे पास सिक्स स्ट्रिंग है वायलिन की, सिक्स स्ट्रिंग्स ऑफ वायलिन वाइब्रेट 3, 4, 5, 6 10 एंड 12 टाइम्स इन अ मिनट. ठीक है, हमारे पास सिक्स स्ट्रिंग्स हैं वायलिन की एंड दे वाइब्रेट 3, 4, 5, 6, 10 एंड 12 टाइम्स इन अ मिनट. तो हमसे पूछा जा रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल ऑल सिक्स ऑफ देम वाइब्रेट टुगेदर, आफ्टर हाउ मच टाइम्स ऑल विल वाइब्रेट टुगेदर. ठीक है, सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक साथ कब वाइब्रेट करेंगी. देखिए इसने कहा कि हमारे पास सिक्स स्ट्रिंग्स हैं, जो पहली स्ट्रिंग है वो थ्री टाइम्स वाइब्रेट करती है इन अ मिनट. तो अगर एक मिनट यानी 60 सेकंड्स में कितनी बार वाइब्रेट करती है, थ्री टाइम्स, तो 60 सेकंड्स में तीन बार वाइब्रेट करती है. तो एक बार वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, 60 डिवाइडेड बाय 3 यानी 20 सेकंड्स, यानी जो पहली स्ट्रिंग है वो हर 20 सेकंड्स में वाइब्रेट करती है. सेम वे दूसरी स्ट्रिंग 4 टाइम्स वाइब्रेट करती है इन अ मिनट, तो एक मिनट में कितना वाइब्रेट करेगी, सॉरी एक बार वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम चाहिए उसको, 60 डिवाइड बाय 4 दैट इज़ 15.
तो इस तरह से आप करते जाइए 15, 60 को 5 से किया 12, 6 से किया 10, ठीक है, 10 से किया 6 और 12 से किया तो 5। सो ये वो टाइम है, ये पहली स्ट्रिंग हर 20 सेकंड में वाइब्रेट करेगी, दूसरी 15 में, तीसरी 12 में, चौथी 10 में, पांचवी 6 में, छठी 5 सेकंड में। तो अब हम चाहते हैं कि कब वापस से एक साथ वाइब्रेट करेंगी। तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, इन सभी नंबर्स का एलसीएम लेना है। सो द रिक्वायर्ड टाइम, सो द रिक्वायर्ड टाइम विल बी द एलसीएम ऑफ दिस टाइम, दैट इज 20, 15, 12, 10, 6 और 5, ठीक है। तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसका आंसर 60 आना चाहिए, 60 सबसे छोटा नंबर नज़र आ रहा है, 60 20 से भी डिविजिबल है, 15 से 4 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स, 12 से 5 टाइम्स, 10 से 6 टाइम्स, 6 से 10 टाइम्स, 5 से 12 टाइम्स, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है, आप निकाल भी लेना। और यूनिट क्या रहेगी, सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद सारी की सारी स्ट्रिंग एक साथ वाइब्रेट करेंगी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा अपन इतना ही रखते हैं, एससीएफ एलसीएम हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।